मेरे साथ भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव जी हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, वहीं गिरिजा यात्रा का ऐलान कर दिया, 18 पर निकलेंगे, हिंदू वचन यात्रा पर निकल रहे। देखिए भाकपा माले का लेकर के 25 अक्टूबर तक यात्रा होगी और इसके बाद में एक कार्यक्रम हो स्तर का जन संवाद का, और हम से भी कम आमदनी पर इस महंगाई में जिंदा है, यह सरकारी सर्वे में पाया गया था। तो इन्होंने कहा था कि उन सबको हम जो है 2-2 लाख रुपया देंगे। इसके बाद में डी बंदोपाध्याय आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गरीबों का यह हक बनता था कि एक एक एकड़ खेती के लिए और 10-10 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन चाहिए, लेकिन उस समय माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने कहा था कि उतना नहीं, हम 5 डिसमिल देंगे। और मोदी जी ने घोषणा किया था कि 2022 तक हम सभी गरीबों को पक्का मकान बना देंगे। तो इसी को लेकर के, चूंकि गरीबों को ये संदेह है कि मोदी जी ने भी 15 लाख रुपया देने का वादा किया था इन्होंने, और बाद में उसको इन्होंने कहा कि ये जुमला था, तो लोग सचेत हैं कि कहीं नीतीश कुमार जी ने भी जो किया है इन्होंने 2 लाख रुपया का, 5 डिसमिल जमीन का, सभी गरीबों को पक्का मकान देने का, यह कहीं जुमला साबित ना हो जाए। तो इसके लिए पूरा गरीब प्रखंडों पर प्रदर्शन के माध्यम से संख्या में जाकर और आवेदन देने के बाद आज तक जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो क्या रास्ता बचता है। और इसीलिए पूरे बिहार के गरीबों के एजेंडे के साथ, गरीबों की भावनाओं, भाकपा माले 16 अक्टूबर से पद यात्रा पर निकल रही है जिसका नाम है बदलो बिहार न्याय यात्रा। अब न्याय के लिए बिहार और बिहार की सरकार को बदलना पड़ेगा, रास्ता नहीं है पर हम लोग इतनी गरीबी है और आप दिल्ली की तरह पंजाब की तरह 200 यूनिट बिजली किसान और मजदूरों को आप फ्री कीजिएगा तो आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। इसी के साथ और हैं गरीब जहां सरकारी जमीन पर अभी तक कागज आपने नहीं दिए, पर्चा देकर ठगने का काम किया है, लेकिन कब्जा नहीं करा रहे हैं आप। तो ये सर्वे के माध्यम से गरीब उजाड़ो अगर अभियान आप चलाइएगा, बिहार के गरीब सचेत है जो हो रहा है उसमें कितना सच्चाई। कई लोग के जो जाति है वो भी जाति भी बदल दिया जा रहा है। आफी का क्षेत्र का एक मामला सामने में आया जो भूमियार जाति से उनका यादव जाति कर दिया गया। यही तो बात है, असल में उनका हो गया इसलिए उनको ज़्यादा परेशानी है। पूरे गरीबों को क्या क्या हो रहा है ब्लॉक में, हम कह रहे हैं कि भाई हम नेता हैं, तो नेता हैं तो हम सबसे पहले तो गरीबों के लिए देखेंगे ना कि क्या हमारे ही साथ हुआ है, हम पर चूहा तब याद पड़ा क्या। पूरा गरीब इसी समस्या से तो जूझ रहे हैं ब्लॉक पर, नाम बदल दिया, खाता प्लॉट बदल दिया, पैसा लिया जा रहा है, खुद जो है राजस्व मंत्री कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है ब्लॉकों में। तो राजस्व मंत्री जो काम है, सरकार का काम है भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का, अब मंत्री ही कह रहे हैं कि इस तरह की भ्रष्टाचार है, तो जनता को कमान हाथ में। राजस्व मंत्री अपना निजी नंबर जारी किए थे कुछ दिन पहले, उनसे हमने भी बातचीत की थी, तो कहा कि निजी नंबर हम 3 दिन के लिए जारी किए थे, अगर ये बताइए 2 दिन के लिए समस्या, 2 ही दिन के लिए सवाल वो मेरा नहीं है। हम कह रहे हैं कि सरकार सरेंडर कर गई ना, माननीय मंत्री जी जो राजस्व मंत्री है इन्होंने कहा कि ब्लॉकों में भ्रष्टाचार चल रहा है, तो आप भाषण देने के लिए सरकार है कि भ्रष्टाचार अगर चल रहा है तो आपसे कंट्रोल नहीं है, तो ये जनता निकल रही है बदलो बिहार न्याय यात्रा पर,
और इसलिए ऐसी सरकार को बदला जाएगा या अभी फोन नंबर और ये नंबर जारी करने से सरकार बचने वाली नहीं है। आप लोग भी यात्रा पर निकल रहे हैं, एक तरफ गिरिराज भी हैं वो भी यात्रा पर निकल रहे हैं, हिंदू है चाहो स्वाभिमान यात्रा पे, तो एक तरफ तेजस्वी यादव जी फिर उस यात्रा को दोहराए। देखिए गिरिराज सिंह पर ज़्यादा कुछ हमको नहीं बोलना है, गिरिराज सिंह बोलते रहे हैं लोग और उनकी बात को कोई नोटिस नहीं लेते रहा, हिंदू बचाओ, हम कहला सरकार में आप हैं, भारत में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की संख्या है, भारत में बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदुओं का, हिंदू एक खतरा में है, इतना दिन से आप सत्ता में बैठे हुए हैं, तो छोटी छोटी जो धर्म वाले लोग हैं उनकी क्या हालत है, जब बड़े लोगों की भी अभी संकट में है, छोटे लोग तो और संकट में होंगे, तो जब किसी के लिए आप मददगार साबित नहीं हो रहे हैं तब काला सत्ता में आप बने हुए हैं, आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों की पार्टी को क्या ज़रूरत है देश के अंदर, जब बहुसंख्यक लोग संकट में हैं तो अब संख्यकों की क्या हालत होगी बोलिए। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग बिना सिर पैर के जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है तब तो आपको हट ना जाना चाहिए भाई। हम कह रहे हैं कि जो हम विधायक हैं और जो सक्षम लोग हैं वो संकट में हैं तो अक्षम लोगों की क्या हालत होगी, और अगर हम सक्षम लोगों को कहेंगे कि सक्षम में हैं तो हमको हट जाना चाहिए। और किशनगंज से चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा जताई है कि अगर हम भी हिंदू नहीं बन पाए और जो कही है हम जाति में बट के रह गए, नहीं तो हम किशनगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे लोकसभा चुनाव का, क्या विधानसभा में आप किशनगंज से जाएंगे क्या, अपनी यात्रा का समापन वहाँ कर रहे हैं? अभी भी रिजाइन कर दें तो उपचुनाव हो जाए, वहीं से लड़ लें, दिक्कत क्या है, क्या दिक्कत है, वहीं से लड़ें जा कर के, मान ली इसमें ना मौका मिलेगा 29 में मिले, लड़ना ही चाहिए इनको, जा कर के लड़ लेना चाहिए इजराइल से, इजराइल में बहुत अभी है लोग, इजराइल के पक्ष में ये हैं लोग, इसलिए हम कह रहे हैं कि जिनकी बात को कोई नोटिस नहीं ले रहा, जितना अलग विषय है, तिकड़म करके जीत गए, गाय गोबर पढ़ा करके जीत जा रहे हैं, हैं तो जीत जा रहे हैं वो अलग विषय है, लेकिन ऐसे लोग बेसिंग पैर के कि जो सबसे ज़्यादा आबादी जिनकी है और उनको कह रहे हैं कि ये संकट में है, तो कम आबादी वाले कितना संकट में होंगे, तब सरकार में शपथ क्या लिए हैं आप जब संकट में लोग हैं, और इसलिए जनता का जो मुद्दा है उससे इनका लेना देना कुछ तो है नहीं, हम लोग इसीलिए तो न्याय यात्रा कर रहे हैं, इन्हीं के पार्टी के ना मोदी जी बोले थे कि 2022 तक हम सब गरीब को पक्का मकान बना देंगे, तो इन्हीं के खिलाफ तो हम लाए हैं बदलो बिहार न्याय यात्रा बना दिए, ये नवादा में जो लोगों का घर जला वो पक्का मकान था, मोदी जी बना दिए होते तो आग लगता उसमें है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग का जनता के एजेंडों के साथ और जनता के एजेंडा नहीं मोदी जी ने वादा खिलाफी जो किया है उसके लेकर के हम लोग बदलो बिहार न्याय यात्रा कर रहे हैं, जिसमें कामरेड महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य एक टीम का नेतृत्व करेंगे नवादा से, हम लोग भी उसमें रहेंगे, पूरे बिहार में ये यात्रा निकलेगी। चलिए हमारे भी यात्रा पर निकल रही है 16 अक्टूबर से और यह यात्रा जो है 25 अक्टूबर तक चलेगा, बता दें कि बदलो बिहार न्याय यात्रा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो वादा की गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो लगातार योजना जो चल रही है, उस योजना में जो खामियां देखने को मिल रहा है उसको लेकर जनता के बीच भाकपा माले भी अब जा रही है। न्यूज बायोस्कोप के लिए पटना से विवेक रंजन।